फ्रेंड्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ हम 10 वॉट के स्पीकर पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे इसका फ्रंट ग्रिल, फिर निकालेंगे सारे फिलिप हेड स्क्रूज और फिर फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर निकालेंगे इसका स्पीकर पैनल। फिर निकालेंगे ये स्पीकर कनेक्शन, ये है 5 वॉट का स्पीकर जो इसके ओरिजिनल हाउसिंग में आता है। एंड अब आप देख सकते हैं ये है 10 वॉट का स्पीकर जिसे निकाला गया है एक CRT टेलीविजन से। अब पैनल पे लगाने से पहले इसे एक बार चेक कर लेंगे। एंड अब आप देख सकते हैं ये स्पीकर ओके है। सबसे पहले ओरिजिनल स्पीकर के वायर डिसोल्डर कर लेंगे। फिर दूसरे स्पीकर पर पॉजिटिव टर्मिनल पर लगा लेंगे रेड वायर। एंड नेगेटिव टर्मिनल पर लगा लेंगे ब्लैक वायर। सोल्डर करने के बाद इसे हम लगा लेंगे पैनल पर। फिर कर लेंगे इस ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन एंड करेंगे इसके साउंड टेस्ट। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड पेयर्ड। एंड अब आप देख सकते हैं इसका साउंड आउटपुट थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 5 वॉट के स्पीकर से। एंड प्रॉपर हाउसिंग मिलेगा तो इसका साउंड आउटपुट बहुत बढ़िया होगा, बट इसका बैटरी कंजम्पशन 5 वॉट के स्पीकर से थोड़ा ज़्यादा होगा और आपका बैटरी जल्दी ड्रेन होगा। तो वापस स्विच कर लेंगे इसके ओरिजिनल स्पीकर पे। फिर लास्ट में स्पीकर को कनेक्ट कर लेंगे। एंड स्पीकर पैनल को बॉडी पर प्लेस कर देंगे। फिर लगा लेंगे 6 फिलिप हेड स्क्रूज। सो फाइनली लगा लेंगे इसका फ्रंट ग्रिल और कर लेंगे इस वीडियो को कंप्लीट। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।